और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं मंच पर इस वक्त मौजूद है, आगरा पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। आज प्रधानमंत्री की तीन जगहों पर रैलियां होने वाली हैं और जबरदस्त तरीके से प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, अपार भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है, लोग वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। आगरा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है और कुछ देर में प्रधानमंत्री भी बोलने वाले हैं, उनको भी हम सुनाएंगे। चुनावी प्रचार में आज प्रधानमंत्री तीन अलग अलग जगहों पर जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले उनका कार्यक्रम आगरा में है, जहां पर इस वक्त वो मंच पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली प्रधानमंत्री की हो रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। एसपी सिंह बघेल को भी आप देख सकते हैं, मंच पर उपस्थित हैं एसपी सिंह बघेल। प्रधानमंत्री का को सम्मान दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। जितनी बीजेपी की कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, वो इस वक्त मंच पर उपस्थित है। प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही मौजूद है। आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री का होने वाला है। मुख्यमंत्री दो जगह पर, प्रधानमंत्री तीन जगह पर चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त मंच पर महिला बीजेपी महिला मोर्चा की जितनी भी जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप मंच पर योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, एसपी सिंह बघेल को देख रहे हैं। आगरा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तीन जगहों पर। आज आगरा के अलग अलग जगहों पर जनसभा होगी, उससे पहले उस मैदान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए। ये वो तस्वीरें हैं, दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री की रैली में इसी तरह की भीड़ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग भारी तादाद में पहुंचते हैं। 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा और फतेहपुर सीकरी में चुनाव होना है। ऐसे में 7 मई के मतदान से पहले बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं कि देश के एक कोने से दूसरे कोने वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की, देश की इस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी आगरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर अब आप सभी आगरा वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आगरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ब्रज भूमि के इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी से जुड़े हुए जनपद आगरा वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से
आगरा वासियों की ओर से, फतेहपुर सीकरी की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब ने इस बात को देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने के लिए एक आह्वान किया था। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी का पंच प्रण का वह आह्वान जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। बहनों और भाइयों, जब इस देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उन स्थितियों में आपके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया गया और आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग फिर से षड्यंत्र करने के लिए आपके बीच आए हैं और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए कि आपके वोट ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्माण किया। 10 वर्ष में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज इस नए भारत के शिल्पी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका योग्य मार्गदर्शन हम आगरा वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से श्री राजकुमार चाहर को प्राप्त है। कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के संकल्पों को और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा और इस दिश से आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, साथ ही उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट प्रधानमंत्री को
तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएगा और इसी के साथ उन्होंने वोट देने की अपील एसपी सिंह बघेल को की है। एसपी सिंह बघेल आगरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पहले भी ये चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, सांसद रहे हैं और मंत्री भी हैं। और सुरेश चंद्र कर्दम इस एसपी से आगरा से चुनावी मैदान में हैं। अब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री का संबोधन यहां से जनता को। मोदी 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 राधे राधे। भारत माता की, भारत माता की।